शोहरत की कीमत चुकाने का दौर नया नहीं है बल्कि पुराना है। मौत की अनसुलझी गुत्थी का जब भी जिक्र होता है एक नाम अक्सर सामने आता है, वो है 70 के दशक की हीरोइन परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी अपने वेस्टर्न स्टाइल के लिए सबकी चहेती बन गई थी। उस दौर में वेस्टर्न आउटफिट पसंद करने वाली हर लड़की उनकी तरह दिखना चाहती थी, हर किसी की जुबान पर उनका ही नाम था। लेकिन आखिरी वक्त में परवीन बॉबी गुमनाम हो गई और उनकी मौत सवालों में घिर गई। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए परवीन बॉबी की डेथ मिस्ट्री, गुमनाम, डेथ इन ओब्लिवियन। 1980 के दशक की शुरुआत में बोल्ड, बिंदास और साफ गोई से अपनी बात रखने वालों में उनका नाम शुमार हो गया। उन्होंने शान से प्यार किया, एक नहीं तीन बार किया और हर बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो शान से जी नहीं सके। तीन शख्स को दिल देकर भी उन्हें कभी सच्ची मोहब्बत हासिल नहीं हो सकी। जनवरी 2005, सांता क्रूज, मुंबई। ना कोई सेलिब्रिटी, ना ही ऐसी कोई अंतिम यात्रा जिसे देखकर कहा जा सके कि बी टाउन की एक शख्सियत को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। जो लोग थे उनमें शामिल थे डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट, जो अपनी उस मोहब्बत का अंतिम कर्ज अदा करने पहुंचे थे जिसे महबूबा के रूप में परवीन बॉबी ने उन पर लुटाई थी। वो परवीन बॉबी जिसकी जिंदगी में कभी कोई ठहराव नहीं था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन अंतिम समय में ना तो उनके कोई करीब था, ना ही उनके पेट में खाने का एक दाना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह भी भूख ही बताई गई, लेकिन उनके अतीत ने खुलासे पर संदेह खड़ा कर दिया। दरअसल परवीन बॉबी का ताल्लुक गुजरात की जूनागढ़ रियासत से था। उनके पिता वली मोहम्मद खान बॉबी नवाब के साथ व्यवस्था करते देखते थे। जन्म से परवीन बॉबी मुस्लिम थी, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण संपत्ति का मालिकाना हक उन्हें ही मिला। बॉलीवुड में काम करके भी उन्होंने बेतहाशा संपत्ति हासिल की। यानी परवीन बॉबी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सच्ची मोहब्बत की, और इसी कमी से जूझते हुए उन्होंने अपने फ्लैट में अंतिम सांस ली। जबकि एक दौर था जब परवीन बॉबी अपने वेस्टर्न लुक के कारण डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी। उस दौर में वो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें एक बीमारी हुई और फिर सब उनसे दूर जाते रहे। अंत में अकेले ही उन्होंने जिंदगी से सामना किया और हार गए। संदेहास्पद मौत से पहले उनकी जिंदगी की एक झलक देखिए। '74 में डैनी और परवीन बॉबी का अफेयर शुरू हुआ। कई दिन साथ रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर 1976 में परवीन बॉबी कबीर बेदी की मोहब्बत में पड़ गईं, लेकिन कबीर बेदी के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला। इसके बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में महेश भट्ट की एंट्री हुई, लेकिन महेश भट्ट के साथ भी उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका। मोहब्बत में कई बार टूटे दिल के साथ करियर के पीक में अपनी पकड़ मजबूत करने वाली परवीन बॉबी अचानक अध्यात्म की तरफ आकर्षित हुई। वो ओशो से प्रभावित हुई और 1983 में अमेरिका ओशो आश्रम पहुंच गई। ये वो समय था जब उनकी बीमारी की शुरुआत हो रही थी। इसी बीच 1984 में न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से उन्हें पुलिस ने बेड़िया पहनाकर पागलखाने में डाल दिया, जहां कुछ दिन गुजारने के बाद वो पूरी तरह बदल गई। उनकी जिंदगी एक दिमागी बीमारी से घिर गई, जिसमें सबसे ज्यादा नफरत वो करती थी अमेरिकन प्रेसिडेंट से। कहा जाता है कि ये बीमारी और ज्यादा बढ़ गई, जो मुंबई में उनकी मौत की वजह में से एक रही। बेशुमार संपत्ति की मालकिन परवीन बॉबी अंत समय में अकेले रहने लगी। धीरे धीरे उनके तीन दोस्तों ने भी उनसे मिलना कम कर दिया। उन्होंने आखिरी वक्त में अपने घर से नौकरों को भी निकाल दिया। उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया और बाहर निकलना भी बंद कर दिया। मौत के कुछ दिन पहले से वो खाना बनाने में भी असमर्थ हो गई।
और उन्होंने अपने घर में दम तोड़ दिया। लेकिन ना उनकी मौत की खबर किसी को मिली, ना ही किसी ने उनके बारे में कोई जानकारी हासिल की। मैगजीन की वजह से उनके शरीर पर पड़े छाले और बॉडी डीकम्पोस्ट होने के दुर्गंध ने पड़ोसियों को आशंकित किया और ये आशंका बिल्कुल सच साबित हुई। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है कि परवीन बॉबी की मौत का असली कारण कौन था, हालात या बीमारी।